इस तरह से सुबह हम निकले तेजू से, उसके बाद हम आए नामचिक होते हुए चांगलांग की ओर। चांगलांग के बाद फिर हम तिराप डिस्ट्रिक्ट एंटर किया हमने। अब कौन सा पहुंचने वाले, कौन सा के बाद हम जाएंगे लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सच ए लॉन्ग जर्नी इट इज। कौन सा पहुंचने वाले हैं देखते हैं। अब हम लॉन्ग डिंग कब पहुंचेंगे, एंड लॉन्ग डिंग की बात करें तो दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू लॉन्ग डिंग। आई एम रियली एक्साइटेड। रोड इज रियली ब्यूटीफुल, बहुत स्मूथ रोड है। आप चांगलांग से जब खोंसा की ओर आते हो, तिराप डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, रास्ता बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ ट्रैफिक का तो कुछ नामो निशान ही नहीं है, आपको कुछ ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं खोंसा के बाद जाएंगे हम लॉन्ग डिंग। इवनिंग हो गया, शाम हो गई और रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन खोंसा से आते हो तो ये रास्ता ख़राब ही मिलेगा। अभी बन रहे हैं, इस साल तो लग जाएगा, लेकिन हम लोगों का काम ऐसा था कि हम लोगों को ये रोड लेना ही था, क्योंकि हम लोगों का चांगलांग में काम था, इसलिए ये रोड लिया। अदरवाइज वो रोड हम गॉन थ्रू अदर रोड जो कम्प्लीटली हाईवे बन चुका है। चांगलांग में काम था तो हम लोग खोंसा होकर आए। किसी ने बताया कि अप टू तिस्सा यही रोड है, आई मीन इसी तरह का रोड मिलेगा, शायद वही है लॉन्ग डिंग। शायद हम लोग लॉन्ग डिंग पहुँचने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत दिख रहा है चिलिक मिलिक, आउट से बहुत स्मूथ जर्नी तो नहीं रहा, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। तो कुछ टॉपिंग भी हो रखी है। चिलिक मिलिक लॉन्ग डिंग पहुंचने वाले हैं हम लोग। लेट हुआ लेकिन फाइनली पहुंच गए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लॉन्ग डिंग। अब जाएंगे लॉन्ग सर्किट हाउस की ओर। सर्किट हाउस ढूंढ रहे हैं अभी, लेट्स सी कहाँ। मार्केट के बाद बताया किसी ने, और वो चिलिक मिले के ऊपर नीचे है पहाड़। रात को पहुंचे, लेकिन फिर भी जर्नी तो बढ़िया ही था। रास्ता थोड़ा ख़राब था, बार बार बोल रहा हूँ रास्ता ख़राब था। अब ढूंढेंगे हम लोग सर्किट हाउस। जब हम तिराप और लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पहले ये टूरिस्ट सर्किट में इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन इसी साल यानी 2022 में तिराप और लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट को टूरिस्ट सर्किट्स में इंक्लूड किया गया है। यहाँ से जाते हैं क्या? तो हम लोग जा रहे हैं सर्किट हाउस की ओर, और कुछ भाई को पूछा था, बोलो इतना प्यार से बताया कि कहाँ जाना है। ये है गेस्ट हाउस, आई मीन सर्किट हाउस ऑफ लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। हम अंदर गए थे लेकिन कोई भी नहीं था। अब थोड़ी देर वेट करेंगे, कोई आए तो हमें रूम मिल जाए। बहुत बढ़िया ये। दिस इज द व्यू ऑफ लॉन्ग डिंग, आई मीन लॉन्ग डिंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश।
टेकिंग दिस व्यू फ्रॉम सेकंड हाउस लॉन्गिंग। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। Just beautiful. And हम लोग कौन सा होके आए थे तो थोड़ा सा जर्नी जो थोड़ा सा मुश्किल पड़ा था, लेकिन आई वोंट से डिफिकल्ट, इतना स्मूथ तो नहीं था, बट आउट से मेमोरेबल। तो यहाँ के केयर टेकर ने बोला, कह रहे आप आसाम होके क्यों नहीं आए, वहाँ से बहुत स्मूथ है। लेकिन हम लोगों का जो काम था चंगलांग में भी था और खोंसा में भी था, तो इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता लिया। तो कल घूम पाएंगे कि नहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं, बट ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा है और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड है। एंड दिस इज द नाइट व्यू ऑफ सर्किट हाउस लॉन्गडिंग। और यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग का सर्व किया, हम लोग का डिनर भी हो गया। एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ दिस प्लेस और से बहुत बढ़िया था, क्योंकि जब हम टाउन में आए थे तो मालूम भी नहीं था कि सर्किट हाउस कहाँ है। तो टाउन में पूछा कि सर्किट हाउस कहाँ है, तो इतना प्यार से बताया कि कहाँ है सर्किट हाउस, कैसे जाना है। हॉस्पिटैलिटी ऑफ लॉन्गडिंग पीपल इज जस्ट अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं कल मॉर्निंग को अपना ऑफिशियल काम है, घूम पाएंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन लॉन्गडिंग आके बहुत अच्छा लगा। तो ये है मॉर्निंग व्यू ऑफ लॉन्गडिंग टाउन फ्रॉम द सर्किट हाउस लॉन्गडिंग। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जैसे मैंने रात को बताया था कि किस तरह रात का जो नाइट व्यू था बहुत ही सुंदर दिख रहा था, ये मॉर्निंग व्यू भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और आप देख सकते हो कि किस तरह सनराइज व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। टूरिस्ट सर्किट के खुल जाने से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो टूरिज्म है उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, जिससे लोगों के बेटर लाइवलीहुड में बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही लोगों को यानी टूरिस्ट या तो ट्रैवलर्स को बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, लोगों को जानने का मौका मिलेगा, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ वांचू ट्राइब ऑफ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा।